आज मैं याद कराने आया हूं। चंद्रशेखर राव जी, आप सचिवालय में सेक्रेटरिएट में तो जाते नहीं है, युवाओं इनको किसी तांत्रिक ने कहा है अगर सेक्रेटरिएट में गए तो सरकार चली जाएगी। ओ चंद्रशेखर राव जी, कान खोलकर सुन लो, सरकार जाने के लिए कोई तांत्रिक की जरूरत नहीं है, मेरा तेलंगाना का युवा आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देने वाला है, क्योंकि आपने वादा किया था हर बेरोजगार को बेरोजगारी का भत्ता दिया जाएगा। युवाओं मिला है जरा बताइए, मिला है भाई? आपने कहा था किसानों का कर्ज 1 लाख रुपए तक माफ करेंगे, कोई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। सुपर फेसियलिटी अस्पताल बनाना था, कुछ नहीं बना है। आपने वादा किया था 2 बेडरूम का हाउस देंगे, अरे 2 बेडरूम छोड़ो, प्रधानमंत्री हाउसिंग योजना को भी आप जमीन पर नहीं उतरे। आपने कहा था दलित भाइयों के लिए 50,000 करोड़ का बजट देंगे। चंद्रशेखर राव जी, कहां है वो बजट? आज मेरे तेलंगाना के दलित भाई आपके वादे के लिए पूछ रहे हैं। हर एससी को 3 एकड़ भूमि देनी थी, 3 एकड़ क्या 30 सेंटीमीटर भूमि भी आपने नहीं दी है। आपका वादा आज आपको याद कराने के लिए मैं आया हूं। बीसी कल्याण के लिए, पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास के लिए हर साल 1,000 करोड़ देना था, जरा 100 करोड़ भी दिया हो तो आप हिसाब किताब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करिएगा। शिक्षकों की भर्ती, प्राध्यापकों की भर्ती आप शायद भूल ही गए हैं। हैदराबाद में 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना था, वो भी नहीं बने, उल्टा उस्मानिया और गांधी अस्पताल की हालत आपने खस्ता हालत कर दी। आपने कहा था 73वें संशोधन को लागू कर पंच सरपंच को अधिकार देंगे, मगर आपको लगता है कि पंच सरपंच का मतलब बेटा और बेटी होता है। आपने आपके बेटे और बेटी को अधिकार दिया, पंच सरपंच अधिकार देने से आप भूल गए हैं। मित्रों, इस तरह से वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। मैंने मेरे जीवन में 13 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं, 57 साल हो गए, मेरे जीवन में इतनी निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी है। मित्रों, ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार है। तेलंगाना का युवा आगे आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को, तब जाकर आगे किसी को भी मालूम पड़ेगा, वादा खिलाफी नहीं कर सकते।